आज हम चर्चा करेंगे कलर ग्रेडिंग पे, नहीं मतलब आइटम सॉन्ग पे कलर ग्रेडिंग करते कैसे, तो ये सब आज आपको बताऊंगा। प्रीव्यू देखो तो आओ यार, अपना काइन मास्टर खोल लो। क्या खोल भी लिए? बहुत तेज हो रहे हैं। तो चलिए, काइन मास्टर ओपन करने के बाद जो भी आप लोगों ने अपना मॉन्टाज बनाया होगा या जिस चीज में भी आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, जिस चीज में भी, उसको ले लेना है। ठीक है, मैं तो इसमें कर रहा हूँ, जैसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है हाई क्वालिटी पे जितना हो सके। फिर बैक आ जाइए, फिर अलाइट मोशन को ढूंढिए कहाँ छुपा बैठा है। फिर उसके बाद अगर आपके में 60 fps का ऑप्शन नहीं आता है तो ऊपर तीन डॉट में जाइए, फिर अबाउट में जाके राइट में जो तीन डॉट है वहाँ पे जो पहला ऑप्शन है उसमें जाके आप उसको होने दीजिए। उसके बाद 60 fps इस तरह से आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। फिर अपना मोंटाज ले लीजिए या जो भी आपने बनाया था, जिस पे भी कलर करना है, ठीक है, उसको डुप्लीकेट कर लीजिए आप सिंपली। फिर जो ऊपर वाली लेयर है उसमें आप सबसे पहले इफेक्ट डालेंगे, तो ऐड इफेक्ट में जाके आपको सबसे पहले एक्सपोजर एंड गामा डालना है, जिसमें एक्सपोजर को पूरा फुल कर देना है और गामा को एकदम लो कर देना है। और जो तीसरा ऑप्शन है उसको आप 9 के आसपास रख के देख लीजिएगा अपने वीडियो के हिसाब से। वो ऐड इफेक्ट में आना है, फिर कलर एंड लाइट में जाके एक दूसरा इफेक्ट है सैचुरेशन, उसको डालना है, उसको एकदम लो कर देना है जिससे कि पूरा वीडियो ब्लैक ब्लैक और वाइट दिखने लगे। फिर एक तीसरा इफेक्ट डालना है कलर टेम्परेचर में, उसमें डाल के उसको लो करना है, लो करना है, करते जाना है, करते ही जाना है, मतलब जब तक आपकी वीडियो में वो फील ना आए। फिर आपको ब्लर वाले ऑप्शन में जाना है, और एक दूसरा इफेक्ट है इनर ब्लर, आपको उसको लेना है और नीचे वाला 0.2 पर रखना है और ऊपर वाला 610 के हिसाब से, हाँ 610 पे ठीक रहेगा, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर बैक करिए, फिर आपको ब्लेंडिंग में जाके दूसरे ऑप्शन में इसको लीनियर डॉज कर देना है। फिर देखिए, वीडियो में उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको एक्सपोजर गामा में आके जो गामा है उसको थोड़ा बढ़ाना है अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना है। अब देखिए, अब वीडियो में ज़रा मतलब मस्त एकदम रंग बिरंगा अलग ही फील आने लग गया है। ठीक है, तो चलिए यार, पहले लेयर का काम खत्म हो गया, अब बारी आती है दूसरी लेयर की। कई लोग सोच रहे होंगे इसे तो हम भूल ही गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब इस पर आपको इफेक्ट में आ गया कलर ट्यून वाले इफेक्ट में आना है। फिर जैसे कि मेरी वीडियो के स्काई में जो ग्लो है वो येलो और ऑरेंज के बीच का है, तो मैं लिफ्ट को भी उतने पे थोड़ा सा नीचे करूँगा और जो एक्सपोजर है उसको भी उतने पे थोड़ा सा नीचे करूँगा, जिससे कि वीडियो में जो कलर है वो स्काई ग्लो के हिसाब से हो जाए। अगर आपको स्काई का कलर चेंज करना है तो आप ह्यूज इफेक्ट में जाइए और आपको जो कलर चाहिए आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। तो बस यार, फिर वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए और आपकी वीडियो बन गई। तो उम्मीद तो नहीं है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ यार अच्छे से क्या करूँ। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी कोई जाएगा नहीं, आप लोगों के लिए एक स्पेशल टिप है। तो वो टिप ये है कि अगर आप लोगों को पता करना है कि किसी भी वीडियो का FPS कितना है, तो आप लोग काइन मास्टर में जाइए, उस वीडियो में थोड़ा देर तक क्लिक करिए और वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि इस वीडियो का FPS कितना है, और वहाँ पे ये भी लिखा आ जाएगा कि वीडियो की क्वालिटी कितनी है, कितनी MB की है और कितने मिनट की है, तो यहाँ से FPS पता कर सकते हैं। तो यार जल्दी से शेयर कर दो, तो जो लोग भी एडिटिंग कर रहे हैं और कलर ग्रेडिंग नहीं कर पा रहे उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दो, और नीचे कमेंट बताइए कि अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर लाया जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।